जम्मू कश्मीर का नाम जहन में आते ही सवाल ये उठता है, वहाँ पे जो इस तरह की समस्या है आतंकवाद को लेकर के, जिस तरह की तनातनी रहती है, जिस तरह का माहौल है, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बीच में वहाँ से कई कलाकार हैं जो निकल के आते हैं और अपनी प्रतिभा जो है वो देश और दुनिया मनवाते हैं। हमारे साथ में के गांधी जी हैं, जो कि भवन निर्माण विभाग के लिए जो कार्यशाला है जिसमें पेंटिंग्स बनाई जा रही है, वो पेंटिंग्स हैं जो बिहार के सरकारी भवनों में जो सचिवालय है वहाँ पर डिस्प्ले की जाएंगी। बिहार के थीम पर ये जो आर्ट है वो बनाया जा रहा है। के गांधी जी हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले तो सवाल ये कि आप जिस प्रांत से आते हैं वहाँ के बारे में जैसे ही हम लोग मतलब उसके बारे में सुनते हैं तो मन में ख्याल आता है कि वो मतलब वहाँ के लोग बड़े अलग तरह के लाइफ जीते हैं, टेररिज्म से बहुत प्रभावित है, क्योंकि आप वहाँ से निकल के आए हैं, क्या देखते हैं, क्या फील करते हैं वहाँ के बारे में? क्या है कि जम्मू के तीन खिते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू इज़ क्वाइट सेफ, बिल्कुल सेफ है, और लद्दाख एरिया भी बिल्कुल सेफ है। सिर्फ कश्मीर का कुछ पार्ट एक ऐसा है और वो भी डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब इसलिए है कि वो एक बाहर की देश की स्पॉन्सरशिप वहाँ से स्पॉन्सर हो के आता है, पाकिस्तान से। तो मेरे ख्याल में बाकी लोग भी 80% 90% लोग तो भी इंडिया के साथ हैं, लेकिन वो क्या होता है कि एक एलिमेंट एक मोहल्ले में भी होता है। अब या किसी भी यूपी में ही ले लीजिए, कोई कश्मीर से ज़्यादा डिस्टर्ब होगा एरिया। तो वो क्या है कि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा नहीं होता कि कोई किसी टूरिस्ट को छेड़ता है या किसी को लड़की को छेड़ता है या कोई टूरिस्ट के साथ लूटिंग होती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह है कि वो अनसर्टिनिटी बनी रहती है। तो मेरे ख्याल में कश्मीर तो हेवन है, जो सब दुनिया में अगर कहीं खूबसूरत जगह है तो वो कश्मीर है। एक खिड़की खोलेंगे तो वो वहाँ पे वो एक पेंटिंग नज़र आती है। तो मेरे ख्याल में मैं कश्मीर के लोगों को, जो खासकर जो डिस्टर्ब एरिया है, उन लोगों को, मैं जम्मू से आया हूँ यहाँ पे पहुँचा हूँ, एक जम्मू कश्मीर का नाम भी होता है उसमें, मेरी रूट्स वहाँ से जुड़ी हुई हैं, उन लोगों को नेगेटिविटी छोड़ के, तो इतना बड़ा इंडिया है तो उसके बड़े पार्ट में मैं बिहार में हूँ, तब मेरे ख्याल में वो कश्मीरियों को वो चीज़ें नेगेटिविटी छोड़ के तो आर्ट एंड कल्चर और दूसरी चीज़ों में आना चाहिए, उसमें बहुत मज़ा है। सर, अब देश में एक स्थायी सरकार है और आप उस प्रांत से आते हैं, वहाँ पे चुनाव भी होने वाले हैं अगले कुछ महीनों में, क्या लगता है कि समाधान क्या है इसका? क्योंकि सरकारें बहुत आई हैं, हर सरकार ने दावा किया है कि हम इसको दूर कर देंगे। बीइंग ए आर्टिस्ट, आपको क्या लगता है क्या समाधान है और उसका सोल्यूशन क्या है? अभी देखिए, जो मेरी पेंटिंग है ना, उसके अलावा जो मैं मेरा सिग्नेचर पेंटिंग रहता है उसमें मैं ऑलवेज होता है रोमांटिक जम्मू एंड कश्मीर, उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती है। तो मेरे ख्याल में वो क्या है कि बॉर्डर इतना बड़ा है और टेरेन इतना डिफ़िकल्ट है कि वहाँ पे इनफिल्ट्रेशन जो होती है, वहाँ पे इतनी आर्मी वो सब लगा है, लेकिन फिर भी वो ना, वो वहाँ पे कई नदी नाले हैं तो वहाँ से वो अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है उसका उस वो खुद तो बर्बाद हो गया, तो वो इंडिया के वो कश्मीर के चक्कर में। तो मेरे ख्याल में वो सब सारी दुनिया देख रही है उसको, तो वही एक जो एक नेगेटिविटी है जो पाकिस्तान से यहाँ पे आती है और कुछ लोग उनके झांसे में आते हैं, गरीबी है वहाँ पे, तो वो गुमराह हो जाते हैं, पैसे देते हैं उनको तो कई लोग पकड़े गए हैं कि प्रूफ है सब। तो मेरे ख्याल में वो उनको वो छोड़ना चाहिए। और अभी सत्यपाल जी जो इधर पहले बिहार के गवर्नर थे, अब वो कमांड संभाले हुए हैं, तो मेरे ख्याल में अभी जो उन्होंने अपने टेन्योर में कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अभी पिछले कई 70 सालों में नहीं ऐसा हुआ कि जो बाहर से पैसा आता है, इंडिया से पैसा आता है और वो जो सेपरेटिस्ट हैं जो कश्मीर को अलग करना चाहते हैं। अभी क्या था कि 102 सेपरेटिस्ट हैं जो जिनके 250 के करीब बच्चे जो फॉरेन में काम कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को बोलते हैं पत्थर उठाओ, गन उठाओ और ये कश्मीर की आज़ादी चाहिए। तो इट्स अभी समझ आ रही है, कश्मीर के लोगों को भी समझ आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अभी मिलिटेंसी लास्ट फेज में है, आई थिंक बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल, कश्मीर की जो समस्या है समाधान हो जाएगी, क्योंकि गांधी साहब आर्टिस्ट हैं, बिहार आए हैं बिहार की कला को अपने अंदाज में बनाने के लिए। खास बात यह है कि कश्मीर की समस्या से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ भी सवाल खड़े होते हैं, लेकिन के गांधी साहब साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो समस्या है वहाँ पर उसका समाधान भी बहुत जल्द हो जाएगा। सहयोगी आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।